CF MOTO एक चाइनीज मोटरसाइकिल ब्रांड 4 जुलाई को इंडिया में धमाका करेगा। हेलो गाइस, मेरा नाम है रोहित एंड वेलकम टू रिच इंडिया। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CF MOTO मोटरसाइकिल्स के बारे में। ये वो ब्रांड है जो 4 जुलाई को इंडिया में अपनी 4 मोटरसाइकिल लॉन्च करने वाला है। ये वो 4 मोटरसाइकिल हैं जो ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड जो है ये CF MOTO सेल कर रहा है और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देती है ये सारी मोटरसाइकिल। तो इंडियन मार्केट में CF MOTO ने अब कदम रख दिया है। ये एस्टेब्लिश हुआ था 1989 में, तो सबसे जो यंग ब्रांड है, सबसे नया ब्रांड है मोटरसाइकिल इंडस्ट्री में और बहुत ही फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड है ये मोटरसाइकिल इंडस्ट्री में। CF MOTO एक ऐसा ब्रांड है जो कि मोटरसाइकिल को मैन्युफैक्चर भी करता है और डिजाइन भी करता है और उनकी मार्केटिंग भी करता है। तो फिलहाल बात करते हैं इन 4 मोटरसाइकिल्स के बारे में जो इंडिया में लॉन्च हो रही है CF MOTO की तरफ से। चारों मोटरसाइकिल के जो नाम है वो है 300 MK, 650 MK, 650 MT एंड 650 GT। तो 650 जितने भी सीरीज मैंने आपको बताई इसमें सारे सब में सेम इंजन है। बस इस इंजन को ट्यून इस तरह से किया गया है कि ये इंजन अलग अलग पावर प्रोड्यूस करे उनके मॉडल के हिसाब से। तो सबसे पहली मोटरसाइकिल है 300 MK। ये एक एग्रेसिव लुकिंग स्ट्रीट फाइटर मोटरसाइकिल है। इसमें बहुत ही शार्प एजी लाइंस हैं, फुली LED हेडलाइट आपको इसमें मिलती हैं और इसमें आपको LCD डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। चारों इंडिकेटर्स इसके जो है LED होंगे और बैकलाइट भी LED होगी। तो ये मोटरसाइकिल कम्पीट करेंगी इंडिया में KTM 390, BMW G310R और Honda CB300 के साथ। इसकी जो एक्सपेक्टेड जो कीमत है इंडिया में वो है 2.25 लाख। ये एक्सपेक्टेड कीमत है, हो सकता है कि ये ब्रांड इस मोटरसाइकिल को इससे भी कम कीमत पर इंडिया में लॉन्च करे ताकि अपने कंपटीशन से जो है इसकी कीमत को कम रखा जा सके। नेक्स्ट मोटरसाइकिल है हमारे पास CF MOTO 650 MK। ये भी एक स्ट्रीट फाइटर लुकिंग मोटरसाइकिल है, शार्प एजी स्पोर्टी मस्कुलर। 650 MK की जो एक्सपेक्टेड प्राइस है इंडिया में वो है 5 लाख रुपए। 650 cc मोटरसाइकिल के 5 लाख रुपए एक काफी अच्छी डील है। नेक्स्ट मोटरसाइकिल है 650 MT जो कि एक स्पोर्ट्स टूरर है। एक्चुअल में इसको बोला जाएगा एक एडवेंचर टूरर। इसमें आपको एक स्मॉल विंड स्क्रीन भी मिलती है और 18 लीटर का फ्यूल टैंक भी मिलता है। तो आप इसमें टूरिंग कर सकते हैं, एडवेंचर टूरिंग कर सकते हैं। इसमें आपको एक कंफर्टेबल राइडिंग पोजीशन इसमें आपको मिलती है। तो ये मोटरसाइकिल मोस्ट प्रोबेबली रिप्लेस करेगी इंडिया में कावासाकी वर्सेस 650 को। फिर से इसमें जो हेडलाइट, टेल लाइट और इंडिकेटर्स हैं सभी के सभी LED हैं और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसमें जो है LCD दिया जाएगा। नेक्स्ट मोटरसाइकिल जो CF MOTO की तरफ से आती है वो है 650 GT। तो 650 GT जो है इनमें सबसे पावरफुल मोटरसाइकिल है 650 सेगमेंट में। 75 BHP की पावर प्रोड्यूस करेगा इस मोटरसाइकिल का इंजन और 45 Nm का टॉर्क। पैरेलल ट्विन इंजन होंगे जितने भी सारी मोटरसाइकिल ये लॉन्च होने वाली हैं, 300 MK और 650 GT, 650 MT और 650 MK जितनी भी मोटरसाइकिल हैं ये सारी की सारी पैरेलल ट्विन होंगी। इंडिया में इन मोटरसाइकिल को लाया जाएगा CKD तरीके से, मतलब कि कम्प्लीटली नॉक डाउन। अब क्योंकि चाइना में इनकी प्रोडक्शन जो कॉस्ट है वो इंडिया से भी सस्ती है, तो ये मोटरसाइकिल ब्रांड जो है इंडिया में प्रोडक्शन करना अफोर्ड नहीं कर सकता। इससे जो है मोटरसाइकिल की कीमत और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो CKD रूट से इनको लाया जाएगा इंडिया में और असेंबल किया जाएगा बेंगलोर की एक फैसिलिटी में। तो सबसे पहला जो शोरूम होगा मोटरसाइकिल का वो बेंगलोर में ही होगा, सबसे पहली जो डीलरशिप होगी। और इसके अलावा 5 और शहरों में इंडिया में ये जो है मोटरसाइकिल के शोरूम या फिर डीलरशिप जो है आपको मिलेंगे शुरुआती जो फर्स्ट फेज में। और नेक्स्ट ईयर 2020 में अगर ये मोटरसाइकिल, ये चारों मोटरसाइकिल अगर अच्छा परफॉर्म करती हैं तो और भी मोटरसाइकिल्स इस ब्रांड की तरफ से हमें देखने को मिलेंगी इंडिया में। CF MOTO एक चाइनीज ब्रांड है, इससे आप ये मत समझिएगा कि इसकी क्वालिटी जो है बहुत ज़्यादा डाउन होगी, पार्ट्स की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, इंजन की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, इंजन में रिफाइनमेंट अच्छा नहीं होगा, ऐसा नहीं है।
अच्छे अच्छे वर्ल्ड वाइड जो नॉन ब्रांड है वो इस CF मोटो से अपने पार्ट्स जो है मैन्युफैक्चर करवाते हैं, जैसे कि BMW, सुजुकी, यामा, MV अगुस्ता और बनेली होंडा जैसे मोटरसाइकिल ब्रांड भी जो है CF मोटो से अपनी पार्ट्स को मैन्युफैक्चर करवाते हैं, ताकि उनकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बहुत लो रहे और वो कस्टमर्स को एक अफोर्डेबल मोटरसाइकिल प्रोवाइड कर पाए। अब CF मोटो अपनी ही खुद की मोटरसाइकिल इंडिया में लॉन्च कर रहा है, तो उम्मीद है कि जो कंपटीशन है CF मोटो के इंडिया में, कम से कम उनसे तो मोटरसाइकिल की जो कीमत है CF मोटो कम रखने की कोशिश करेगा। तो लेट्स सी कि CF मोटो इन मोटरसाइकिल के लिए क्या प्राइसिंग रखता है इंडिया में। 4 जुलाई को ये मोटरसाइकिल्स इंडिया में लॉन्च हो रही हैं। अगर ये मोटरसाइकिल इंडिया में अच्छा परफॉर्म करती है तो CF मोटो 150cc, 200cc और बाकी जो सेगमेंट है 250cc, इन सेगमेंट में भी CF मोटो अपनी मोटरसाइकिल लेके आएगा इंडिया में। 150cc में अगर ये मोटरसाइकिल इंडिया में लेके आता है तो वो मोटरसाइकिल कम्पीट करेंगी यामा R15 और सुजुकी जिक्सर 155 के साथ। तो अगर आपने लास्ट मेरी वीडियो नहीं देखी है तो उसमें मैंने कंपेयर किया है यामा R15 को RC125 के साथ, जिसमें मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और ज़्यादातर लोगों को यामा R15 पसंद आई है। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक जो है आई बटन में उसका आपको नजर आ रहा है ऊपर, आप क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब टू रिच इंडिया मोटो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।